पहले तो मैं अपने दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगी और होली की जो बीत गई उसकी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। जी आपका नाम? जी मेरा नाम पायस पंडित। ये आपकी पहली मूवी है? हाँ ये मेरी फर्स्ट मूवी है, इससे पहले मैंने बहुत से शोज़ किए हैं बट एज अ भोजपुरी मेरी फर्स्ट मूवी है ये। तो कैसा फर्स्ट डे जो आपने कैमरा फेस किया, क्या कहना चाहिए, कितना एक्साइटेड थे, कितना आप नर्वस भी रही होंगी क्या? स्टिल मैं नर्वस हूँ, अभी भी एक्साइटेड हूँ, नर्वस हूँ। पहले दिन कैमरा फेस किया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे नए लोगों के साथ काम करके, नए लोगों के साथ सीख के। हमारे कोरियोग्राफर दिलीप मास्टर, उनके साथ इतना कुछ सीखने को मिला। हमारे जो डायरेक्टर है इकबाल भट्ट जी, जिनकी उन्होंने कितनी मूवी की है बट मैं उनके साथ फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ। अमेजिंग एक्सपीरियंस और अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है, अभी रोज डेली मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ। इस फिल्म में आपका क्या किरदार है? इसमें मेरा जो कैरेक्टर है प्रिया है, वो जो रियल में, ये जो मैं रियल में हूँ उससे बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर है। रियल में बहुत ही शोवर सिंपल लड़की हूँ और प्रिया बहुत ही एटीट्यूड बड़े बाप की बिगड़ी हुई लड़की हुई है वो। और वो किसी को कुछ नहीं समझती है, अपने एटीट्यूड, अपने पैसे, अपने खूबसूरती, सबका घमंड उसको बहुत ज़्यादा है, तो बहुत अच्छा कैरेक्टर है जी। और क्या कहना चाहेंगे, जो आपका जो कैरेक्टर उसके लिए आपने कितना मेहनत किया, कितना ऑब्जर्व किया? इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की, मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत डांस सीखने में की है क्योंकि हमारे जो कोरियोग्राफर है उनको बिल्कुल भी रिटेक पसंद नहीं है, उनको परफेक्ट चाहिए। इसके लिए मैंने डांस के रिहर्सल बहुत सारा किया और एक्सरसाइज तो मैं हमेशा ही करती हूँ। तो और लुक के लिए हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं ही तो वो लुक दे ही देते हैं। तो मेहनत की, स्क्रिप्ट पर मेहनत की, भोजपुरी लैंग्वेज पिकअप करने के लिए मेहनत की, वो जारी है, आगे तो लंबा करते रहेंगे, तो शुरू है अभी। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? फिल्म के डायरेक्टर के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने प्रूव कर दिया है, वो 20 साल से इंडस्ट्री में है, तो मेरे लिए ये खुशकिस्मती की बात है कि मैं उनके साथ डेब्यू कर रही हूँ, मेरी फर्स्ट मूवी है। और इतने बड़े डायरेक्टर इकबाल बख्श जी, जो नाम ही उनका काफ़ी है, उनके साथ मैं डेब्यू कर रही हूँ, तो मेरे लिए लकी की बात है। मैं बस अब दर्शकों को, मैं तो काम कर रही हूँ, मैं दर्शकों को और डायरेक्टर और आप सबको मैं फीडबैक के लिए वेट करी कि लोग मुझे किस रूप में लेते हैं। बाकी मैं मेहनत कर रही हूँ और अपना 100% दे रही हूँ और उम्मीद करती दर्शक भी मुझे भरपूर प्यार देंगे जैसा कि सबको देते हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर जो हैं उनके लिए क्या कहना चाहूँगी? फिल्म के प्रोड्यूसर डाउन टू अर्थ, उनको, उनके साथ काम करके मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस में काम कर रही हूँ। उन्होंने कई मूवी बनाई है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ, जो भी हम लोग को ज़रूरत होती है हर चीज़ का पूरा ख्याल रखते हैं और बहुत अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस था उनके साथ। काजल निषाद जी भी हैं इसमें, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनसे तो मुझे सीखने को मिलता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका एटीट्यूड, उनका स्टाइल। तो काजल निषाद जी से मैं पहले भी उनकी मैंने काफ़ी शोज़ देखे हैं तो ऑब्वियसली मैं उनसे सीखने को ही मिल रहा है, मुझे सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है जी। मैम क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से और अपने आने वाले फ्यूचर के लिए? मैं ऑडियंस से बस इतना कहना चाहूँगी कि मैं नई हूँ आपकी इंडस्ट्री में, अभी मेरा डेब्यू हो रहा है, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको एंटरटेन करने का और उम्मीद करती हूँ जैसा आप इंडस्ट्री में सबको प्यार देते हैं मुझे भी सर आँखों पर रखेंगे और अपना प्यार देंगे। और बस मैं आप लोग को एंटरटेन करने के लिए आई हूँ और चाहे शाहरुख हो, सलमान हो, मोदी हो, किसी को भी बनाने वाले सिर्फ आप हैं, तो बस प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा और मेरे काम की सराहना कीजिएगा।